राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने आज चंबा जिला में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर प्रचार संबंधी चुनावी रणनीति तैयार की। हर्ष महाजन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 18 मई को चंबा के दौरे पर रहेंगे और विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। देश व प्रदेश में भाजपा की जीत का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समाज के हर वर्ग तक लाभ पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की बयार चल रही है और प्रदेश की जनता देश में भाजपा की सरकार बनाने को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रही है। इतिहास में कभी इतना काम किसी और प्रधानमंत्री से हुआ हो, पर एक उनकी सबसे खासियत है कि जो उन्होंने डेट बेनिफिट स्कीम चलाई, उससे जो लास्ट एक व्यक्ति होता है उस टाइम उसको डायरेक्ट हर चीज़ मिलती है पूरे भारतवर्ष में। चाहे मैं मंडी था गया हुआ, मैं फिर उसके बाद कांगड़ा में आया, उसके पहले शिमला था, तो पूरी तरह से एक शांत वेव चली हुई है कि मोदी सरकार बन रही है। हर्ष महाजन ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर भी तीखा हमला बोलते हुए सरकार में भ्रष्टाचार पनपने पर आरोप लगाया। हर्ष महाजन ने कहा कि डेढ़ वर्ष के कार्यकाल में ही सुक्खू सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं है। सीपीएस की नियुक्तियों पर हमला बोलते हुए हर्ष महाजन ने कहा कि एक तरफ अनावश्यक नियुक्तियां कर प्रतिमाह लाखों रुपए व्यय किए जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ सुक्खू सरकार आर्थिक तंगी का रोना रो रही है। आज याद रखना मेरी बात, अगर ये की सरकार टिकगी, जो टिकने वाली नहीं है, तो उम्मीद ना रखना इससे, ना इनएक्सपीरियंस मिस और ये परफॉर्मेंस, बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं ले, और जो आपकी मिस गवर्नेंस है कि गवर्नेंस के नाम पे कोई चीज नहीं। हर्ष महाजन ने कहा कि चंबा जिला के विकास को फिर से गति प्रदान करने के लिए जहां जिला को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा, वहीं सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए भी बजट मुहैया करवाया जाएगा। ये हिमाचल प्रदेश बिल्कुल डूबता जा रहा है, गड़े में एक कुएं में घुस रहा है और कोई तरक्की के काम नहीं है। हमारे बच्चे सारे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, सारे नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं, कोई है ही नहीं कुछ भी। या एक भी मेरे को बता दो कि डेढ़ साल सरकार बने हुए होगी कि अगर एक आदमी को नौकरी मिली। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंबा से संवाददाता विकास जरियाल। जी विकास, चंबा में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल है? राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने भाजपा की चुनावी रणनीति पर क्या जानकारी दी है? जी विकास जी उर्मिला, राज्यसभा सांसद पिछले कल चंबा दौरे पे पहुंचे थे। वह पहली बार राज्यसभा सांसद बनने के बाद अपने गृह जिला पहुंचे थे, तो उन्होंने जिस तरह से दावा किया है कि इस बार केंद्र में फिर से मोदी सरकार रिपीट हो रही है और इस बार जीत का आंकड़ा काफी अधिक होगा। उन्होंने ये भी खुलासा किया है इस दौरान के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 18 मई को चंबा आ रहे हैं और उनकी एक चुनावी रैली चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में होगी। इस रैली को लेकर उन्होंने जहाँ भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ आज बैठक कर आगामी रणनीति तय की, वहीं जेपी नड्डा की रैली से भाजपा के कार्यकर्ता व नेता काफी उत्साहित दिखे और उनकी इस रैली को सफल बनाने की तैयारियों में जुट गए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारी के लिए।